इसकी धुआं कहाँ से निकल रहा है ये इतना? ये सुझो की जान निकल गई नहीं, ट्रक की निकली है क्या? ये कहाँ से निकला है धुआं? है ना, ये सुझो की जान निकल गई इसकी तो। गाइस पर्सनल कोई कौन वे है आर्मी वाला, इस वजह से आज उधर से ट्रैफिक आया है। अदरवाइज आज हमारा सिर्फ जाने जाने का दिन था बारालाचा से लेह की तरफ, लेकिन ये कोई कॉन्वे है पर्सनल वो आया है, इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम था। अब चलें थोड़ा थोड़ा आगे खिसक रहे हैं। जान निकल रही है गाड़ी की भी, गाड़ी की जान निकल रही है गाइस। यहाँ पे ये चीज हो रही थी, इस वजह से जाम लग रहा था। ये पेच खराब था, इस वजह से जाम लग रहा था। इसकी तो जान निकल गई, जाने कहीं से चला रहा है उसमें, है ना। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ और पेच खराब है, जैसे यहाँ पानी भरा हुआ था ना अभी, वैसे आगे भी कहीं ना कहीं कोई ट्रैक खराब होगा, या गाड़ी ब्लैक आइस हो रही हो, या पानी भरा हो, या गड्ढा हो रखा हो, इसी वजह से ट्रकों की लाइन लग रही है वो बार बार। भाई क्या नजारा है यार, इस जगह रुके थे पहले हम, इसी जगह पर रोकी थी हमने गाड़ी पिछली बार। ये जो आपको छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना, पतली पतली सी जो लाइन है, वो देखो कुछ ना कुछ गिर के आया हुआ है, वो बर्फ, वो रही बर्फ। देखो फिर से जाम हो गया, और आगे जाके 30-30 फीट ऊंची बर्फ दिखेगी अभी। बस यहाँ से एवलांच नहीं होना चाहिए कुछ भी तरीके का भाई साहब, है ना। इस चीज का जाम है यार, ये थोड़ा सा रोड जो है खराब है, बाहर से दिखाते हैं आपको नजारे। सूरज साल जो कि जमी हुई है, ये देखें। और सामने आप देखें बर्फ पिघल पिघल के लटक चुकी है, त्रिशूल बन चुके हैं, ये देखो आप, है ना। अल्टीमेट स्पीति सीरीज में भी दिखाए थे मैंने आपको। कैसा फॉर्मेशन है उस पे यार, देखो अलग ही तरीके का है वो तो यार, चट्टाने पे पत्थर हो गया है पत्थर हो गया है पत्थर, अल्टीमेट है यार। बर्फ जम जम के उससे कटिंग भी हो जाती है। जी आते तो यहाँ अगर गलोच जी आते हाँ, तो वो कैसा फील करते, कैसा फील करते बताइए भैया। बर्फ क्या बहुत ही ज्यादा जमी हुई है, तो इस बर्फ में थोड़ा सा रस्ते की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। तो ये प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी सरकार क्या रस्ते क्लियर करना ही नहीं चाहती है ना, ये हमेशा सकड़े रस्तों पे, तंग रस्तों पे, और आदमी को बड़ा परेशान करती है। अभी हमारी सरकार आ जाएगी अगर तो ये सारी सारी समस्याएं दूर कर जाएंगी, सारी समस्या जो 70 साल से समस्या चल रही है वो सारी दूर कर जाएंगी समस्याएं, समस्याओं को, सारी समस्याओं को हम क्या हल कर देंगे, बर्फ के पहाड़ कुछ नहीं है, इनको हटा देंगे। अच्छा, 102 दिन में इनको साफ करके हम खोलन बना देंगे। ओके, वन वे ही है इस पे, एक बार में एक ही गाड़ी पास होती है, एक तरफ जाने का, एक मतलब एक दिन आने का और एक दिन जाने का, तो अपने को एक दिन वही हाँ रुकना पड़ जाता जिस पा में। अपनी तो किस्मत जबर निकली, अपनी किस्मत जबर निकली।
गाइस आप देख सकते हैं रोड पे आइस हो रही है, कहीं कम नहीं है, आइस हो रही है रोड पे, आइस हो रही है बस वहाँ अलमाटी में यही था। देखो आप राइट में मेट्रो ऐसे उतरे थे, आइस हो रही है ऐसी जगह पे। तो गाइस फाइनली हम जो है बारा लाचा के टॉप पे हैं, जिसका एल्टीट्यूड है 4,850 मीटर। दिख रहा है आपको सन रिफ्लेक्शन आ रहा सामने से, ये है साहब बारा लाचा पास एल्टीट्यूड 4850 मीटर। और इधर देखो आप नज़ारे, जब हम पहले आए थे ना तब भी ये बिग डिवाइड था, और यहाँ पे पानी भी, कोई लेक भी है इसे तो भाई, ये कोई लेक है ना अल्टीमेट गाइस इस जगह की। नहीं, तो बर्फ तो देखो और पर वो कितनी मतलब डेंस। पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है, देखो ये मेरा ये नीचे वाला रोड पता नहीं कहाँ जा रहा है, रोड क्लियरिंग हो रही है देखो आप, पता नहीं अपना रोड है या क्या है। गाइस ये है स्नो कटर, ये जो रोड क्लियर किया जाता है इसी मशीन से किया जाता है, देख सकते हैं आप टायर में। और मुझे तो डर है कि हमें उसी रोड से तो नहीं जाना ना यार, वो जो रोड दिख रहा है क्योंकि आइस हो रही है उस पर, तो पता नहीं क्या सीन है, थोड़ी देर में पता लगेगा आपको, बने रहो इस व्लॉग में। गाइज ये बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुआ है कल, ये देखो आप दिखाऊं, ये नीचे की गंदी हो रही है, अगर दिख रही हो यार रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये गंदी हो रही है और ऊपर वाले बिल्कुल विग्ड वाइट है। मैं देखो ये कैसी बर्फ है यार, पिघली है ये, पिघली है, पिघलने के निशान है ये, देख रहे हैं जो। फॉर्च्यूनर वाले की फटरी है, जैसे कोई लंबरगिनी चला रहा हो इस पे, फरारी चला रहा हो ऐसे रोड पे, बिल्कुल धीरे धीरे यार, ये बस वो है क्या यार। अरे 1003 1002 इधर आ रही है, 1003 सामने है एंडेवर। तो गाइस ये देखा आपने बारा लाचा पास 2024, आज है 31 में, और बीच में एक पूरा सेक्शन खराब था करीब 2 किलोमीटर के आसपास का, बाकी अब वापस से टर्मेक आ चुका है और अब अपन चलेंगे सटासूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामने के नज़ारे एक नंबर लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि आगे और बेहतरीन नज़ारे दिखाने वाला हूं मैं आपको। गाइस ये देखिए अब किस तरीके के माउंटेन आ चुके हैं, हमने बारा लाचा पास क्रॉस कर दिया है और अब आपको अलग अलग तरीके के कलरफुल माउंटेन्स दिखेंगे, अलग सीनिक नजारे आएंगे, बहुत अलग अलग तरीके माउंटेन्स भी अलग अलग आएंगे, माउंटेन की फॉर्मेशन भी अलग अलग आएगी, कभी रॉकी माउंटेन आएंगे, कभी मिट्टी वाले माउंटेन आएंगे, कभी ये कंक्रीट वाले जो माउंटेन है छोटे छोटे पत्थरी पत्थर पत्थरी पत्थर ये वाले माउंटेन आएंगे। लेह बचा है 273 किलोमीटर अभी भी, और अभी हम सर्च पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, स्नो ही स्नो दिख रही है, थोड़ी टाइम बाद आपको घाटा लूज भी देखने को मिलेंगे। ईशान भाई की पसंद का रास्ता आ जाता है फिर, है ना, हमारी पसंद के रास्ते थोड़ी देर ही आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर ही आ रहे हैं। वेलकम टू केनलुंग सरी, नहीं सराई, केनलुंग सराई आई है गाइस, ये केनलुंग सराई। एल्टीट्यूड कम हो गया लेकिन रोड खराब है, वहाँ कितने लिख रहे थे, और टेम्परेचर आ रहा है 8 डिग्री का, आउटसाइड टेम्परेचर 8 डिग्री हो रहा है। गाइस नजारा देखिए, फ्लैट मैदान आया है एक, और क्या खूबसूरत लग रहा है बाकी यार, यहाँ शायद हो सकता है खेती होती हो इस एरिया में, और
बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, बढ़िया रोड है, टर्मेक रोड है, बढ़िया लग रहा है, मतलब ओवरऑल जो है ना काफी अच्छा लग रहा है। देखा आप पीछे का जो नजारा है, अल्टीमेट लग रहा है, अल्टीमेट लग रहा है, शानदार है यार। और स्कॉर्पियन जो है ना अपनी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है भाई, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है। ये देखें आप, पूगा वैली जाते हैं अपन, मैंने यूट्यूब पे देखा है, मैंने भी असलियत में मैं गया नहीं हूँ, लेकिन पूगा वैली में भी इसी तरीके के टीले बने हुए हैं, बस वो थोड़े ज्यादा ग्रीन रहते हैं, यहाँ पे ये डल हो चुके हैं, मतलब ब्लैक हो चुके हैं। और बाकी नजारा जो है ना अलग अलग है। अब वो सामने ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेतीले पहाड़ भी हो, इधर रिवर जा रही है, और रिवर के दोनों तरफ जो रिवर की वॉल है ना वो अलग तरीके की है, बहुत अलग तरीके की, बहुत अलग तरीके की। पानी का कटाव भी हो रखा है, रोड का कटाव भी हो रखा है बहुत सी जगह पे, और भाई धूल उड़ा गया यार। और यहाँ पे स्टे के हिसाब से काफी सारे टेंट लगे हुए, काफी सारे यार। एक्चुअली क्या है, सरचू में बिल्कुल बंजर इलाका है, इस वजह से अब ये सरचू से पहले, मतलब सरचू से मनाली की तरफ लगा रहे टेंट ये, क्योंकि यहाँ पे हल्का हल्का वेजिटेशन है इस वजह से। तो आप भी जो है सरचू ना रुके कभी भी, सरचू एक नरक है, नरक है नरक सरचू, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं, उजाड़ है, बंजर है पूरा। चलेगा अपन भी वहाँ जिमनी लेके यार, वो जिमनी वाले के पास नहीं है एक भी पेंडी, लेकिन यहाँ चलो ग्रास तो है, कुछ ना कुछ उग तो रहा है। हाँ कोटा का है ना भैया, RJ20 है, RJ20 है भैया। गाइस चेक पोस्ट पार करी है और इधर जो है नया ब्रिज बनाया है, उपशी है 203, तिसो कर है 141 और पांग है 76 किलोमीटर। गाइस सर जो हमने क्रॉस कर लिया, और वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट ले है ये, तो वेलकम टू ले, वेलकम टू ले सरचू भैया, ले में ही है इसका मतलब, सरचू ले में है क्या, जनस्कार रेस्टोरेंट सरचू नहीं ये, यहाँ तक सरचू को ले में ले लिया फिर, या तो ले क्या लिया होगा वो, ले में ही हो सकता है, नाश्ते करना है कुछ है ना, कर ले क्या, चाय पी ले, मैगी खा ले, चाय मैगी, हाँ मैगी खा लेते हैं चलो। अभी जो है 12:28 हो रहे हैं, गलत दिए, अभी हिमाचली है गाइस, सरचू जो है हिमाचल में ही है, सरचू हिमाचल में ही है, वो तो वहाँ पे वेलकम टू ले लिख दिया था उन्होंने, अभी थोड़ा सा आगे जाके जम्मू अपने लेह लद्दाख बॉर्डर पे अपन घुसेंगे। सो रहे हैं क्या, ये उठ जा शेरू, रिगजिन ढाबा सरचू, मैगी खाएंगे, मैगी सरचू नरक है भाई साहब। बाकी दाल चावल दे दो एक प्लेट, चाय नहीं पियोगे, चाय आएगी तो नहीं पियेंगे, चाय भी पियेंगे ना, चाय तो पियेंगे ना यार, चाय पियेंगे भाई साहब, चाय पियेंगे, पहाड़ों में चाय पीता हूँ मैं। दाल मखनी है और मैगी भी आ रही है ना भैया, चलो ले लो, बताओ कैसा है टेस्ट। तो भाई लोग जो है महाराष्ट्र थाने से आए हुए हैं, आप भी सब साथ ही हैं, सब साथ, और अभी अर्टिगा से हैं, अर्टिगा क्या अपनी गाड़ी भारी है, एडवेंचर ऑन, गाड़ी पे देखो ना मैप पे आपको कंटेंट हो जाएगा। ओके ओके एडवेंचर ऑन, ओके ओके ओके। अच्छा एमएस से आप लेके आ रहे हो वहीं से, मुझे तो फिर बाइक का कौन कह रहा था अभी, बाइक नहीं अच्छा कार से, चलो बढ़िया बढ़िया, हैप्पी जर्नी, ठीक है मिलते हैं फिर, एडवेंचर ऑन। और इन्होंने जो है ये देखिए थाने जो रूट प्लान पूरा बोनट पे लगा रखा है इन्होंने, जो रूट है ना मैप, थाने से उज्जैन, आगरा, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मनाली, मनाली से रोहतांग पास, फिर इन्होंने ये उमलिंगला, पेंगोंग, चांगला, ले, और यार गजब बना रखा है इन्होंने तो भाई। और पूरा राजस्थान भी आएंगे भैया, तो राजस्थान भी आएंगे ठीक है, अमृतसर, जम्मू, भाई ये तो लंबे निकले, लंबे निकले हैं। तो भाई कितने दिन का प्लान किया है ये पूरा, मैक्स टू मैक्स 20 डे बफर डे पकड़ के। अच्छा 20 कर लिया, मतलब पूरा आइटिनरी डिसाइड कर लिया था, मतलब कैलकुलेटेड है, चलो बढ़िया है यार, हम भी करें कभी इस तरीके का प्लान। इनका यूट्यूब चैनल जो है वो है द बैचलर बॉयज, सारे के सारे कुमार है भाई ये। ये वीडियो जो है काफी लंबा हो चुका है, तो अभी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि आगे और बेहतरीन नजारे दिखाने वाला हूं मैं आपको। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।